वहीं जल शक्ति और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह जनपद लखीमपुर खीरी के दौरे पर आए हैं। बाढ़ प्रभावित तहसील क्षेत्र दौरहरा और पलिया के साथ साथ निघासन के कई गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। शारदा नगर स्थित सिंचाई विभाग की गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जनपद खीरी के दौरे पर आए हैं और विगत दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से जो भी धनहानि और किसानों की जो भी फसलें बर्बाद हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और हर संभव मदद सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। पांच लाख 47,226 क्यूसिक पानी जो डिस्चार्ज शारदा में हुआ है और 4,91,000 क्यूसिक डिस्चार्ज हमारे घाघरा में हुआ है, जिसके कारण से 300 गांव में पानी गया है। सभी गांव में भोजन का पैकेट पहुंचे, दवाई की व्यवस्था हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, छिड़काव हो, इन सब चीजों के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बृहद बैठक किया है। हमारे लखनऊ के कमिश्नर, राहत आयुक्त और हमारे ENC DP, हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। एक एक बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। हमारे सभी आदरणीय विधायक गण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और विधायकों ने भी रात दिन लग करके अच्छे से काम कर रहे हैं, जनता के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।